1 जनवरी 2022 को एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में सराबोर है, तो वहीं भारत में नए साल के मौके पर पहले ही दिन से ग्राहकों को महंगाई का करंट लगा है। दरअसल साल के पहले ही दिन केंद्र सरकार ने जूते और हौजरी समेत दूसरी कई सेवाओं पर GST की दरें बढ़ा दी हैं। पहले ये दर 5% थी, जिसे बढ़ाकर अब 12% कर दिया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बड़ी GST दर का बोझ सीधे आम जनता पर पड़ना शुरू हो गया है। वहीं बड़ी दर को लेकर व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में GST की बढ़ी हुई दरें व्यापार पर एक बड़ी चोट हैं, क्योंकि पिछले करीब 2 सालों से हर व्यापार प्रभावित हो रहा है। इस बीच व्यापारियों को राहत की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार की तरफ से बढ़ाई गई GST दर से व्यापारी को निराशा हाथ लगी है। वहीं ATM से फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा रुपए निकालने पर भी चार्ज को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ट्रांजैक्शन समेत कई दूसरे चार्ज बढ़ाए गए हैं, जिसको लेकर ग्राहकों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। व्यापारियों और ग्राहकों की मांग है कि बड़े चार्ज को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि कपड़े पर भी 5% से बढ़ाकर GST 12% लगाए जाने की तैयारी थी, लेकिन पूरे देश के कपड़ा व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और कपड़े पर GST दर यथावत रखी है। पहली बात तो मैं कह रहा था कि ये पहले भी हुआ था कि 3 बार में 4वीं बार हम लोग कोई अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी बैंक से भी कर रहे हैं, तो दिक्कत तो भी हमारे लिए बनी हुई थी। और अभी इसके बाद भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब ये चार्ज कम होने की वजह और बढ़ाना तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है। इसको सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको भी कि भाई जहाँ पर 3 बार में अगर आप करो, 4वीं बार में अगर भाई हम आम तौर से क्या होता है कि हम भी चाहते हैं कि कम से कम ट्रांजेक्शन हम बैंक से करें, लेकिन मजबूरी में 4 या 5 ट्रांजेक्शन हो ही जाते हैं और कहीं ना कहीं जाके 40 या 45 रुपये हम लोग के अननेसेसरी कट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए। व्यापार में भैया असर तो पिछले 2 साल से पड़ा हुआ है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से काम ही समझ लिए ख़त्म हो गया है, और जैसे तैसे करके काम को आदमी चला रहा है। ऊपर से ये सरकार कोई ना कोई इसमें फंडा ऐसा लगा देती है जिससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। अब कारोबार करना तो भैया बहुत मुश्किल हो गया है पहले के मुकाबले। पहले तो सीधा सीधा काम होता था, अब तो GST और ये और वो बढ़ना कम होना, भैया काम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। और जितनी भी सरकार योजनाएं ला रही है हमारे समझ से बाहर है, इससे पब्लिक को कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा है। हमने जो भी अभी तक देखा है व्यापार के नाते से, हमारा व्यापार पहले के मुकाबले 100 में से 50% रह गया है। पहले ऐसा कारोबार नहीं था, पहले कारोबार अच्छा चलता था, अब कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया है। और जो और सरकार उस पर टैक्स लगा रही है और डाउन हो जाएगा। तो आप क्या चाहेंगे, या GST वापस होना चाहिए या फिर? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कम से कम छोटे व्यापारी को तो उसकी राहत देना चाहिए ना। तो बड़े उद्योगपति जितने भी काम कर रहे हैं वो तो सब कर ही रहते हैं अपने तरीके से करके काम। छोटा जो व्यापारी है वो हर तरीके से दब रहा है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वीकेंड का बंद होने का हो, या कुछ भी हो, कारोबार का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है छोटा व्यापारी, ना कि बड़ा व्यापारी। बड़ा व्यापारी तो अपना रास्ता कुछ ना कुछ बना लेता है, हमारा तो भैया एक ही काम है। और जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके बड़े काम होते हैं, ज़्यादा काम होते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर, बहुत दिक्कत। जैसे कि अज्ञात पता चला है कि फुटवेयर पे 5% की जगह 12% GST कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है, बिजनेस वैसे ही बहुत डाउन है, और जो सरकार ने किया है वो अच्छा नहीं किया है। इससे व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही बहुत मारामारी चल रही है, रॉ मटेरियल पीछे बहुत महंगा है, वैसे ही रेट इंक्रीज़ हुए हैं और अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। वैसे ही बिजनेस बहुत प्रभावित चल रहा था कोरोना को लेके, अब जो है व्यापारियों को नाजायज़ दबाया जा रहा है, जबकि क्या कहते हैं टेक्सटाइल पे वापस पोस्टपोन कर दिया है, 12% की जगह 5% कर दिया गया है, और फुटवेयर पे नहीं किया है, जो कि फुटवेयर व्यापारियों के लिए बहुत गलत है। तो इस पे गवर्नमेंट को फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा और थोड़ा आपको छूट देनी पड़ेगी, जिससे कि बिजनेस दोबारा स्टैंड हो जाए।